आ गई, हदीस मौजूद, उसमें ये सवाबुल इबादात में भी आप देखें। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा अय्युस सदकते अफजल, कौन सा सदका अफजल है? फरमाया मा, पानी, पानी का सदका। फहाफारा बेरन, उन्होंने कुआं खुदवाया और क्या कहा? वकाला हाजिही लि उम्मे सादिन, ये कुआं साद की मां के लिए है, ये कुआं साद की, जरा कहिएगा ये कुआं साद की। उन्होंने अल्लाह के लिए खुदवाया था या मां के लिए खुदवाया था? अल्लाह के लिए, लेकिन सवाब किसको भेजना था? मां को। तो उस पर मां का नाम बोला या नहीं? और ये हदीस से साबित है। तो हमने भी ग्यारहवीं कह दिया या गौस पाक की कह दिया न्याज, तो मतलब ये कि अल्लाह की बारगाह में यह दिया पेश किया, इसका सवाब गौस पाक को पहुंचे, तो गौस पाक के सवाब पहुंचाने के लिए किया, उनका नाम बोल दिया। इस नाम बोलने से ये नहीं होगा कि वो चीज हराम हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। मैंने हदीस से आपको उसका सबूत दे दिया। अंगूठे चूमना कैसा है? मैं इसका जवाब दे चुका। या रसूल अल्लाह कहना कैसा है और दुरूद सलाम पढ़ना कैसा? दुरूद सलाम पढ़ने का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम वबारिक अलैहि।